अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मजे में होंगे। तो आज संडे और संडे वाले दिन जो है घर पे है दावत, और जो हमने बाहर से बनने के लिए दो तीन चीज़ें दे दी हैं, ठीक है। और जो घर में जो बन रही है वो है बिरयानी और मैंगो कस्टर्ड बन रहा है। तो ये रहा जी, किचन में भी साथ साथ प्रिपरेशन चल रही है। और जी, तो आज बहुत ही ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। मुन्नी का जो है आज फेस रिवील होगा, तो चले जी बिल्कुल एंड में होगा, तो आपने पूरा ब्लॉग देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और तो चले करते हैं हम आज के इस ब्लॉग को कंटिन्यू। और जी, तो घर पे दावत थी तो सभी लोग रेडी हो रहे थे, तो ज़रा अबू को भी हम थोड़ा सा तैयार वगैरह करवा लें। तो यहाँ पर जो है शेव करवाने के लिए बुलवाया था शहजाद ने, और शहजाद नमाज के लिए निकल गए थे, तो अबू की जो है शेव में करवा रही थी और उनको गाइड कर रही थी किस तरीके से शेव करना है। तो हल्का हल्का करवाया है, फिर नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह अच्छे से शेव करवाऊँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे पास और ये अर्जेंट में इनको बुलवाया था। तो यहाँ पर जो है ज़रा अबू को भी हम फटाफट से रेडी कर दें, फिर मुझे लगना है किचन के काम की तरफ। तो चले जी, अबू हो रहे हैं रेडी। 2000 years later। और जी, तो यहाँ पर जो है बिरयानी का सालन भी बस हमारा प्रोसेस पर है, और ये मज़ेदार सी बिरयानी जो है तैयार कर रहे हैं मेरी और अम्मी की मेहनत मिलाकर, ठीक है। जो ये बिरयानी रेडी होने वाली है। चले जी, तो अभी मैं हो जाऊँ रेडी, थोड़ा सा हल्का फुल्का, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत लाइट सा मैं मेकअप दूँगी, ठीक है, लाइट सा मैं मेकअप करूँगी। तो चले पहले मेकअप करके रेडी हो जाऊँ। और जी, तो ये रही मेरी फाइनल लुक, मैं जो है यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। अभी जो है जल्दी फटाफट से खाना लगाना है, ठीक है। खाने में जो है अम्मी ने बनाई है बीफ बिरयानी, मैंने अम्मी ने मिलकर, ठीक है। दूसरा जो हमने एक तरफ मैंगो कस्टर्ड बना के रख दिए थे, उसमें मैंगो डाल दिए, चिया सीड डाल दिए थे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सा मैंगो कस्टर्ड हमने बना के रख दिया है फ्रीज में ठंडा करने के लिए। और यहाँ पर जो आसमा भी रेडी है, और जो दहली शाही कबाब हाउस है उस्लामाबाद में करीमाबाद की तरफ, वहाँ से जो है हमने बीफ देख कर उनसे हमने कबाब बनवाई है, बोटियाँ बनवाई है, और ईद की दावत है, बकरा ईद की दावत है, तो इसीलिए बीफ 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 सारा हो गया है घर में, तो आज बीफ की दावत है, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। मिठाई को दावत और शिकिला को दावत की हमने। तो चले, ये रही मेरी फाइनल लुक, और ये है मेरा आज का ड्रेस, जिसकी पूरी रील्स आपको इंस्टाग्राम पे, मेरे शॉर्ट्स में, फेसबुक पे, हर जगह पे आपको ये रील्स मिल जाएगी पूरे ड्रेस। ये रही जी अब्दुल हादी और उस्मान गनी। तो ठीक है, अभी मैं जो लगा रही हूँ जल्दी फटाफट से दस्तक कर सकती हूँ, भूख लग रही है। फिर जो है रील्स के लिए शूट थोड़ा सा मैं टचअप करके मेकअप का, फिर रील्स के लिए शूट बाद में करते हैं आराम से। मुन्नी का फेस रिवील भी करना है, तो वो भी अभी सो रही है, तो वो भी हम सारा आराम से करते हैं। पहले मैं आपको सारा दस्तखान सजा के सारा डेकोरेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, चलना। और जी, तो दस्तखान हमने जल्दी से लगा लिया था, तो यहाँ पर जो है धागा कबाब बनवाई थी, और ये रही जो सीख बूटी और सलाद जो है मैंने घर पे बना ली थी, और ये रही जो बिरयानी हमारी, ये दिखने में मैंने सिर्फ बिरयानी खाई थी, क्योंकि इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी, क्योंकि मैंने और अम्मी ने इस पर बहुत मेहनत की। इस दफ़ा हमने थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बिरयानी बनाई थी, तो मुझे बहुत मज़ेदार लगी थी, क्योंकि हमने पहले से जो बीफ में मैरिनेशन करके रख दिए थे, हमने बाद में वो जो पूरा सालन टाइप नहीं बनवाया था, हमने मैरिनेशन करके रख दिया, इसके बाद जो हमने बिरयानी का प्रोसेस शुरू किया था, ताकि जो मसाला लग जाता ना बीफ में, बीफ जल्दी गल जाए। और जी, तो दावत भी हमारी डन हो चुकी है, बहुत सारी रील्स आने वाली है, आपने जरूर शॉर्ट्स में देखना है। और ये रही जी मुन्नी हमारी, जो कि इसकी जो फर्स्ट डे से जो पिक्चर्स हैं वो अपलोड हों मीरब के अपने ही पेजेस पर। और जी, तो बहुत सारी रील्स आ रही है, मीरब का जो फेस रिवील नहीं किया हमने आज भी, बस वो रील में आपको देखना है, रील्स में जो है हम अपलोड करेंगे। यहाँ पर जो है आपके साथ जो मैं शेयर कर दूंगी, इसकी जो वन डे सेकेंड डे जो पिक्चर मैंने ली थी मेरे बारे में जो है वो मैं यहाँ पर लगा दी थी, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इसका थोड़ा थोड़ा फेस रिवील करते जाएंगे, फिलहाल आपको रील्स का इंतजार करना, बल्कि रील पहले ही अपलोड हो जाएंगी। तो ये अभी जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, दावत से जो हम देर से फारिग हुए, अभी अबू को जो एम्बुलेंस लगा के खजूर खिला के और पानी पिला के सुलाना है, ठीक है। फिर आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, बहुत ही छोटा सा ये ब्लॉग बना है, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ चलाना इंस्टाग्राम और यूट्यूब बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम के लिए भी कुछ ट्रांजेक्शन बनानी होती है, तो बहुत मुश्किल टास्क है, ठीक है। तो चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अबू को अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें, आपके चैनल सब्सक्राइब करना है, आपको प्यार बड़ा, कुछ सलाम, अल्लाह हाफिज़।